नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शौर्य फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको दोबारा से एक बार विवांता सोसाइटी के अंदर लेके आया हूँ, जो हमने एल टाइप कंस्ट्रक्शन की साइट बनाई थी। इसमें हमारे पास एक यूनिट अभी अवेलेबल है दोस्तों। तो ये एल टाइप कॉर्नर का मैं आपको फ्लैट दिखाने वाला हूँ दोस्तों। 3 BHK फ्लैट है, 90 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट है, एल टाइप कॉर्नर फ्लैट है। हम हैं अभी द्वारका सेक्टर 4 और द्वारका 3 के सेक्टर के बैक साइड में ये सोसाइटी आती है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया लोकेशन है इसकी, बहुत अच्छी सुंदर सोसाइटी बनी हुई है। पूरी ग्रीन एरिया है यहाँ पे, चारों तरफ ग्रीन एरिया है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पास में गवर्नमेंट स्कूल है। जो एमिनिटीज आप यूज करेंगे वो द्वारका की यूज, द्वारका का जो वेगास मॉल है वहां से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे साइट है। द्वारका सेक्टर 12 सेक्टर 6 की मार्केट यहां से इजी पड़ती है। मार्केट जो है बिल्कुल सोसाइटी से बाहर निकलते ही आपकी उत्तम नगर की मार्केट भी यहां पे इजीली है। ये लोकेशन जो है वो उत्तम नगर की आती है, बट बिल्कुल द्वारका के साथ सटे हुए होने से जो एमिनिटीज आप स्कूल, जो हॉस्पिटल आकाश हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड में है, हॉस्पिटल आकाश यहाँ से जो है कुछ ही मात्र दूरी पे है, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जो भी है सारी फैसिलिटी यहाँ पे है दोस्तों। तो अभी मैं आपको जो है, ये हमारा बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन है, आप देख सकते हो बिल्कुल बिल्डिंग हमारी जो है रेडी हो चुकी है। और चलता हूँ मैं आपको बिल्डिंग के फ्लोर पे लेकर चलता हूँ दोस्तों। और ये हमारी जो पूरी पार्किंग है, पूरी 180 गज की जो हमारी पूरी पार्किंग बनी हुई है, और बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये वीडियो दिखाई थी वैसे ही सेम हमने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दी है। आप देख सकते हो बिल्डिंग का, ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है, शाम के समय भी जो है बहुत बढ़िया बिल्डिंग हमारी लग रही है। तो चलते हैं हम अपने बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में। ये जो हमारी पूरी 180 गज की पूरी पार्किंग आ जाती है, 8 फ्लैट है हमारी बिल्डिंग के अंदर, और पूरी की पूरी 8 गाड़ियों की पार्किंग है दोस्तों। पहले जो है मैं आपको जो है 2 BHK का जो है साइड वाला फ्लैट दिखा चुका हूं, बट आज मैं आपको दोबारा से एक जो है एल टाइप कॉर्नर का फ्लैट दिखा रहा हूं, क्योंकि हमारी एक यूनिट में सारे फ्लैट्स हमारे सेल हो चुके थे, बट एक जो फ्लैट है हमारा किसी के लोन ना होने की वजह से वो जो फ्लैट है, वो यूनिट है जो वो कैंसिलेशन में आ रही है दोस्तों। तो वो यूनिट आपको मिल सकती है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्लैट में। और ये हमारा जो है लिफ्ट एरिया है, यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड में लिफ्ट आ गई है, यहाँ पे आपकी लिफ्ट है, और इसी के साथ जो है यहाँ पे आपका जो स्टेयर्स आ जाती है, बहुत ही स्टेप्स जो है जितने इंच के होने चाहिए, 4 से 6 इंच स्टेप होने चाहिए, वही सेम साइज के स्टेप्स बने हुए, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो इजिली चढ़ सकता है। और 4 फुट तक की जो हम लोगों ने इसमें 4 से 3.5 से 4 फुट तक की जो है पूरे स्टेयर्स केसेस के अंदर जो है टाइल्स लगाई है, जो की बिल्डिंग मेंटेनेंस बनी रहे। और ये पहुंच चुके हैं हम अपने लॉबी एरिया में, आप देख सकते हो बहुत ही बिना रुकावट के बिल्कुल सीधे तरीके से हम अपने चढ़ते हुए अपने फ्लोर पे आ जाते हैं। इस फ्लैट की मैं आपको पहले वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों, और अब मैं अपना जो हमारा एल टाइप कॉर्नर फ्लैट है उसकी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। तो आइए, पहुंच चुके हैं अपने एल टाइप कॉर्नर फ्लैट में दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग के साथ, बहुत बढ़िया क्वालिटी का काम हम लोगों ने इसमें किया हुआ है, देख सकते हो। जो अगर मैं इसके लिविंग एरिया की बात करूं तो 13x12 का इसका हमारा लिविंग एरिया है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की काम हम लोगों ने इसमें किया है। ये देखिए, एक वॉल पे हमने जो है टाइल्स लगाई है विद जो है ग्रुप्स लगा के हम लोगों ने इसमें टाइल्स लगाई है, जो कि बहुत ही इसकी फिनिश एनहांस कर रही है, मतलब बहुत क्वालिटी को जो है बढ़ा रही है दोस्तों। यहाँ पे आप अपना जो है पैनल प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपका LCD आ जाएगा, यहाँ पे आपका LED लगा सकते हैं, पूरा मतलब बहुत बढ़िया लुक के साथ जो वॉल लगी हुई है। और ये हमारा लिविंग एरिया आ जाता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की, बेहतरीन क्वालिटी की फॉल सीलिंग का डिजाइन है वो आप देख सकते हो, और कॉबलाइट LED लाइट्स लगा के दे रहे हैं, डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है, और आप जो चाहते हैं, जो भी आप वॉलपेपर चाहते हैं वो इस वॉल पे आपका, यहाँ पे वॉलपेपर आप अपना प्लेस करवा सकते हैं। वैसे जो हम लोगों ने दिया है, वैसे सिंपल ही बहुत बेहतरीन फ्लैट लग रहा है, क्योंकि इस वॉल जो है इसकी ब्यूटी को जो है बहुत बढ़ा रहा है, जो कि इस फ्लैट के निखार रहा है, इसकी क्वालिटी को बहुत बढ़ा रहा है, और डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स हम लोग आपको लगा के दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा लिविंग एरिया। एक हमारा एंट्रेंस करते ही एक हमारा बेडरूम आ जाता है, जो कि हमारा लेफ्ट में पड़ता है, बहुत बढ़िया साइज है उसका। उसके बाद हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है, उसके बाद हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है, उसके बाद हमारी किचन आ जाती है, और उसके बाद हमारा जो है थर्ड बेडरूम आ जाता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको थर्ड बेडरूम में ही लेके चलता हूं। तो आइए,
ये हमारा थर्ड वार्डरूम है और इसी को मैं आपको कॉमन वॉशरूम कहूंगा, क्योंकि जो है इसमें रूफ तक टाइल्स हम लोग लगा देते हैं। पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, ये हमारा वॉशरूम आ जाता है और इसके बाद आप दिखा दीजिए वॉशरूम, दिखा दीजिए एक बार। ऊपर छत तक हम लोग टाइल्स लगा के दे रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी की बाथ फिटिंग लगा के दे रहे हैं आपको। और मैं इस बेडरूम के अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका जो साइज है वो 12x11 का इसका बेडरूम साइज है, बहुत बढ़िया स्पेशियस है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का साइज है इसका, देख सकते हो। बहुत बढ़िया क्वालिटी की फॉल सीलिंग का डिजाइन है वो आप देख सकते हो, कॉबलाइट और एलईडी लाइट्स दोनों लगी हुई हैं इसमें। और आ जाते हैं हम अपने इस साइड में, और यहाँ पे हम आपको अलमीरा प्लेस करके दे रहे हैं, जो कि पूरी छत तक जो है आपको काफी स्पेशियस अलमीरा दे रहे हैं बेडरूम के अंदर आपको बनाकर। और यहाँ पे आपका हम जो है टफन ग्लास की विंडो आपको लगा के दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की विंडो है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है आपका एसी आ जाता है, यहाँ पे आप अपना विंडो एसी प्लेस करेंगे। और चलते हैं हम अपने इसके बाद चलते हैं हम अपने किचन एरिया में, किचन का भी जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का काम किया हुआ है देख सकते हो, डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स इसमें लगे, फॉल सीलिंग का बहुत बेहतरीन डिजाइन दिया है, कॉब लाइट्स लगनी अभी बाकी है। और जो है ये देखो कॉब लाइट लग गई है, जो है यहाँ पे आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाता है, यहाँ भी हमने जो है टफन ग्लास की विंडो यूज की है। और चिमनी हम आपको ऑलरेडी लगा के दे रहे हैं, काफी स्पेसियस साइज है इसका दोस्तों, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी बेंसन्स की जो है बाथ फिटिंग है देख सकते हो, बहुत बढ़िया क्वालिटी की जो है फिटिंग इसमें हम लोग आपको करा के दे रहे हैं। पानी आ गया, ये बहुत जो न्यू टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जो न्यू टेक्निक्स की मॉड्यूलर किचन बनती है वो सेम हम लोगों ने इसमें काम किया है, ये आप देख सकते हो। मतलब काफी स्पेसियस किचन है, किचन में 4-5 बंदे इजीली खड़े होकर काम कर सकते हैं। जो हमने इसमें स्टोन यूज किया है व्हाइट कलर का स्टोन यूज किया है, जो कि डिमांड होती है मार्केट के अंदर कि हमें व्हाइट पत्थर चाहिए, जो किचन के अंदर आप व्हाइट पत्थर लगाएं काफी क्लाइंट्स की डिमांड होती है, तो वो चीज हमने इसमें यूज की है। और यहाँ पे आप आपका रेफ्रिजरेटर आ जाता है, यहाँ पे आप अपना फ्रिज प्लेस कर सकते हैं किचन के अंदर, काफी स्पेसियस किचन है। और इसी के साथ हमारा आ जाता है कॉमन वॉशरूम, जिसमें कि हमने रूफ तक टाइल्स लगा के दिए, और इसका जो साइज है वो 4x7 का साइज है, और बहुत बढ़िया ग्रे कलर की टाइल्स हम लोगों ने इसमें, जो कजारिया की टाइल यूज की है वो देख सकते हो, रूफ तक टाइल्स हम लोग लगा के दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का शॉवर है। ये कन्वर्टर आपका आ जाता है, ये कन्वर्टर आपका आगे, पानी आपका चालू है, इसके अंदर वॉश बेसिन भी आ जाता है तो, और बेंसन कंपनी की जो है बाथ फिटिंग हम लोगों ने इसमें यूज की है। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम में, बालकनी वाले बेडरूम में बाद में चलेंगे, पहले हम अपना देख लेते हैं सेकेंड बेडरूम। और भी इसका मैं साइज की बात करूं तो दोस्तों बहुत बेहतरीन साइज है, इसकी साइज की बात करूं तो 12x12 का बेडरूम साइज है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का साइज है। यहाँ पे आप अपना बेड प्लेस करेंगे और उसी के सामने बहुत बेहतरीन क्वालिटी का हम जो है पैनल लगा के दे रहे हैं आपको, ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी का पैनल लगा के दे रहे हैं, बहुत मजबूत पैनल है, कितना भी भारी टीवी आपका गिरेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा दीवार से सटा हुआ बिल्कुल अटैच जो है पैनल है। और बहुत बढ़िया क्वालिटी की फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का फॉल सीलिंग डिजाइन है, और बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी की अलमीरा है, ये देख सकते हो आप, सारा सामान आपका आ जाता है इसी अलमीरा के अंदर। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि हमने स्टार्टिंग में आपको जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हमने बोला था कि हम आपको डोर्स जो इसमें और विंडोज जो लगा के देंगे वो टफन की लगा के देंगे, अभी क्लीनिंग होनी बाकी है इसमें, तो ये देख सकते हो टफन बहुत हैवी क्वालिटी की जो है, बहुत हैवी क्वालिटी की जो है वो टफन जो है बहुत हैवी क्वालिटी का यूज किया, बहुत हैवी क्वालिटी का काम हम लोगों ने इसमें किया, वो आप जब आएंगे तो आपको दिख जाएगा दोस्तों। और हमारी बालकनी इस बेडरूम से भी स्टार्ट हो सकती है, देख सकते हो काफी स्पेस है बालकनी का, आप साइज देख सकते हो 15 फीट की जो हाइट है बालकनी की, हाँ पर हम इस बालकनी से नहीं जाएंगे, आप जाएंगे दूसरी बालकनी से। तो आइए चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम के अंदर, तो ये हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम। इसकी अगर मैं बेडरूम की साइज की बात करूं तो इसका बेडरूम का साइज है वो भी 11x12 का बेडरूम का, बहुत निकले बेडरूम के 90 स्क्वायर यार्ड में एल टाइप कॉर्नर होने की वजह से बहुत बेहतरीन साइज निकला है इस 3BHK फ्लैट का, बहुत बढ़िया क्वालिटी का फॉल सीलिंग का डिजाइन है आप देख सकते हो दोस्तों।
और इसमें एक फ्लैट अभी है बचा हुआ, तो दोस्तों साइज भी बहुत बढ़िया है इसका और साइज भी बेहतरीन साइज है। ये देख सकते हो कॉर्नर विंडो, कहीं पे भी आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी तफान की कॉर्नर विंडो। पूरे उत्तम नगर में ढूंढने से दोस्तों नहीं मिलेगी, बच्चे खेलेंगे तो वो विंडो से भी भाग जा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने बालकनी के अंदर, और बालकनी के अंदर भी मैं आपको बताऊं, ये हमने हमने पूरा जो है वो टफन का जो है डोर दिया, वो टफन ग्लास का दिया। देखो अब अगर आपको इसमें ऐड करना है कि आपको आयरन गेट लगाना, तो वो आपने लगाना है, हम लोग इसमें टफन का आपको लगा के दे रहे, पर बहुत मजबूत है, कोई चोर इसको तोड़ नहीं सकता। बुलेट प्रूफ तो नहीं है, अगर वो मारेगा तोड़ी तो टूट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये हमारी का बालकनी का आप साइज देखिए, इतनी बड़ी बालकनी आपको ढूंढने से ही पूरे उत्तम नगर में कहीं मिलेगी दोस्तों। ये अगर मैं साइज की बात लूं तो हमारी जो साइज है वो हमारा ये लेंथ जो है वो 20 फुट की लेंथ है इसकी, आप देख सकते हो बालकनी का, और जो इस पे स्पेस है वो 4 फुट का स्पेस है बालकनी का। इतनी बड़ी बालकनी दोस्तों बहुत बेहतरीन है, सुबह के टाइम धूप प्रॉपर आती है, आप बैठ के आराम से चाय पी सकते हैं यहाँ पे बालकनी के अंदर। तो दोस्तों ये है आपका वॉशिंग एरिया, यहाँ पे आपकी आप वॉशिंग मशीन प्लेस करेंगे और यहाँ आपका टैब आ जाता है इतना पूरी, आप यहाँ पे पूरे काफी स्पेस है, यहाँ पे पूरे गमले 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 लगा सकते हैं और पूरा ग्रीन एरिया कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सुंदर, इतना सुंदर, इतना 3 BHK फ्लैट आपको दोस्तों इस बजट में ढूंढने से नहीं मिलेगा। अगर आप ये फ्लैट बुक कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आ सकते हैं न्यू रेजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, हमारा जो है विशाल मेगा मार्ट के बैक साइड में हमारा ऑफिस है, G1 141 उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास। दोस्तों दिए गए नंबर पे आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लोन फैसिलिटी 80-90% लोन अवेलेबल है दोस्तों। कैसी लगी लोकेशन, कैसा लगा फ्लैट, तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि मैं जो भी बढ़िया बढ़िया फ्लैट लाता रहूं वो आप तक पहुंचते रहे, उसकी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए आप बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें कि जैसी मेरी वीडियो आए तो उसका आपको जल्द से जल्द आपको जो है उसका नोटिस मिल जाए कि आप मेरी वीडियो आ चुकी है। दोस्तों मेरी वीडियो आप किसी को फ्लैट दिलाना चाहते हैं, किसी दोस्त को रह, तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और आप सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके दोस्तों तक मिलती रहे। तो दोस्तों बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्यार मिल रहा है दोस्तों, इसका मैं अभिनंदन करूंगा, आपका दिल से धन्यवाद करूंगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।